हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू कर रहे हैं मॉर्निंग से, और हम जा रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड जा रहे हैं शादी में, तो फिर मिलते हैं आपको उत्तराखंड में। अभी रास्ते में भी मिलते हैं। आगे मैं और सृष्टि जा रहे हैं शादी में, और ये पापा जी इनके और लड़का रह रहे हैं घर पे, क्योंकि ऑफिस ऑफिस जाएंगे और हम शादी में होके आ जाते हैं। परिवार की शादी है देहरादून में, तो उत्तराखंड जा रहे हैं, मिलते हैं हम आपको। शादी में आराम से जाइए, सफ़र एकदम सही करिए, भगवान राम का सुमिरन करिए सीट में बैठ के। और हमारे शैलेश, हमारे शैलेश को, जो हमारा दूल्हा राजा शैलेश है, उसको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद उसके साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत। ऑटो बुला लो। तो हमारा हो गया ये बैग वाला बच्चा तैयार। ये देखो, ये बैग आगे भी और पीछे भी रखेगी। चलो भाई, रखो कांची, बैग रखो कंधे में। जी कांचा बेटा, नेपाली कांचा है। हाँ, ले रखो बैग, रखो कंधे में। ये बोल रहा है, बताओ इसको पता है कि मैं कहीं जा रही है। मम्मा को लेके जाऊंगा मेरे जरूर, आराम से रहना बाबू। हाँ, जल्दी आऊंगी, और तंग मत करना पापा को। पहले चीजी लाऊंगी तो तेरे को मैं तो खिलाऊंगी। हमारे चेरे को पता हो गया इसको कि जा रही है, कहीं तो जा रही है मम्मा मेरी, कहीं तो जा रही है। जल्दी आऊंगी, ठीक है? तब तो जरा कर लेना एंजॉय बाबू। ये देखो, दो दो पिट्ठू हो गए भाई, डिटेल भाई जी के कंधे में, हील्स में। डिटेल भाई जी, कब जाना चाहते हो तुम उत्तराखंड? धन्यवाद हमारे गढ़वाल। गाड़ी आ चुकी है हमारी। हाँ, बता साइड बैग, ब्राउन साइड बैग कहाँ पे है? रुक जा भाई, जरा रुक जा, रुक जा, रुक जा बेटा। बहुत से तो गाइस, हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, गाड़ी आ गई और जा रहे हैं हम मोहनगर स्टेशन। ऊपर से छूट गया था घर भी, दोबारा जाना पड़ा सृष्टि को, मेरे को जाना पड़ा। क्या करें, कुछ ना कुछ चीज छूटी जाती है जल्दबाजी में। ये देखो, हमारी गाड़ी जा रही है सीधा बस स्टॉप। मौसम भी थोड़ा अचानक बदल गया ना, थोड़ा सा ठंडा हो गया, हवा चल रही है, धूप भी थोड़ा कम है, सुहाना मौसम है सुबह सुबह का। गाइस, आ चुके हैं मोहन नगर, अभी बस से लगी हुई है, इनमें जाना है अब हमने। तो गाइस, ये है मोहन नगर। ये सृष्टि है, मैं तो पहुंच गया। मेरे जेठ जी और जिठानी जी भी आ रहे हैं अभी, तो उनके लिए रुके हुए हैं, उनसे भी मिलते हैं, फिर साथ ही जाना है हमने। अभी आ रहे हैं, अब किस में आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं, टैक्सी में आ रहे हैं, देखो अभी देखते हैं। तो गाइस देखना, इसका तो हो गया खाना शुरू, लग गई चटपटे फटपटे लेने पे। देखना अभी देखो, छोले रोटी खा के आ रही है, है? ये देखो, ये ले ले, पूरे बस में खाती रहेगी, पता नहीं कितना खाएगी। तो बस में खाते नहीं, क्या करते हैं सफर में, खाते हैं इतना थोड़ी खाते हैं यार, अभी तो खा के आ रही है। तो गाइस, जिनके लिए हम रुके हुए थे, जेठ जी और जिठानी जी के लिए, उनने तो धोखा दे दिया, वो तो चले गए देहरादून वाली बस में, और हम उनके चक्कर में देहरादून वाली बस में बैठ के फिर उतरे कि यार अभी ये नहीं पहुँच रखे हैं मोहनगर में। अब वो बैठ गए दूसरी बस में, बैठ के चले गए, हमें बोल भी नहीं रहे कि हम चले गए भाई। अब मैंने फोन किया तो बोला हम देहरादून की बस में बैठ के चले गए। अब आप ये बोल रहे, हाँ उनके चक्कर में हम बस से भी उतरे, यार तूने बोला नहीं 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 ताऊजी सा... ठीक नहीं कहा रहा तुम, ठीक नहीं कहा कि ताऊजी से नाराज हो गई। ताऊजी इतनी भेजान वाले बढ़िया निकाह तो मुझे नहीं भेजा। अब ये डांट लेना ताऊजी को अपने, मैं क्या करूँ, मैं तो भैया ये सोचे साथ जाएंगे। चलो फ्री बानी है, फिर मिलजुल अभी हम। हमने बहुत सारी बसें छोड़ी, अभी एक बस नहीं दिख रही, रुड़की थी, रुड़की की थी, अभी चार पाँच
और देहरादून की थी दो, सब चले गए। आप पता नहीं, आप मेरा रूडर वाली है, हमने जाना है देहरादून, तो रूडर की भी मिल जाए तो उसमें चले जाए। बस में बैठ चुके हैं, सीट भी मिल चुकी है, लेकिन क्या करें, साइड की सीट नहीं मिल रही। इस बस में सब लोग ऐसे हैं ना, कोई हेल्प सीट गिर रखी है, जेंट्स ने खिड़की की लेट गए और इस तरह से परेशान सब फैमिली वाले हैं, लेकिन क्या करें, ये हमारा भारत है, ठीक है। हैशटैग भारत आगे बढ़ रहा है। देखो ये देखो खिड़की में सो रहे हैं लोग, कोई बात नहीं, मिलते हैं आपको। ये बस जा रही है हमारे उत्तराखंड देहरादून में, बस तो बहुत लंबी है भाई। ये देखो बसों में लिखा हुआ भी है, और तभी आर एस सीट में जेंट्स बैठे हुए हैं, तो कहाँ का न्याय है भाई, ये हमारा भारत, ठीक है। ये देख लो गाइस, मोदी जी तो बोल रहे हैं लेकिन कहाँ था क्या हो रहा है ये देख लो आप। देखो गाइस, फिल्म का हो गया शुरू, ये चिप्स खा लिए हैं ये वाले, ये और ये वाले खा रही हैं, नीचे 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 खराब हो जाएगा, ये अंगूर आगे खा चुके लगी है खाने, देखो कहानी क्या हुई, हम जैसे ही बैठे हमें खिड़की वाली सीट नहीं मिली, वैसे तो बहुत सीटें हैं खाली, देखो एक दो दो करके बैठे हैं लोग, वो भी सो रखे हैं, नहीं दिया उन्हें। फिर हम बैठ जैसे तैसे, मैंने जब देखा लिखा हुआ कि आरक्षित सीट महिलाओं के लिए, तब मैंने बोला कि भैया कैसे जेंट्स बैठे हो, मैंने अगर हमें सीट नहीं दे, पीछे सीटें हैं आप उसमें बैठो, हमें आगे आने। खैर बोले तो कोई कुछ नहीं, क्योंकि लिखा हुआ था वहाँ पर, हम सही उसमें बोले, फिर हम आ गए। गाड़ी का हॉर्न पे 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 हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो गाड़ी ठीक है, बने रहे हमारे ब्लॉग में, ऐसे ही मिलते रहते हैं लोग, तो हम आपको बताते रहते हैं और बताते रहेंगे क्या हमारे देश में क्या हो रहा है। गाड़ी का पिपाड़ हो रहा था बहुत ज़्यादा, सुनाई नहीं दे रहा है, जब मैं बोल रही तो वो आवाज़ कर रहा है, जब मैं चुप बोल रही तो आवाज़ बंद हो रही है। ये बताओ जी, तुम क्या लग रहा है? दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, उनका नाम नहीं लिखा था ना तेरे साथ, फिर सो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ पे ढाबा पे, पहुँच गए हम मुजफ्फरनगर है। क्या है मुजफ्फरनगर? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई, मुजफ्फरनगर भुक्कू लगी भुक्कू। तो गाइस पहुँच गए हम यहाँ पे ढाबा में, अभी ये देख भूखा लग गई यहाँ पे, क्योंकि थाली मंगा रही, थाली खाने के लिए इतना सारा खा लिया, अंगूर खा लिए, चिप्स खा लिए, सब चीज़ खा ली, इसका पेट ही नहीं भर रहा, फिर भी ये लगी है खाली लेनी है। अच्छा कितनी चीज़ें तो हमने खा ली है यहाँ पे, तो सही खाना भी नहीं रहता जो बोला जाएगा, बेकार खाना रहता है यहाँ पे। एक बार तो हमने यहीं पे था वो पहले, एक बार चलो चल मंगा दी तो, नहीं तब खाना ही पड़ेगा। ये ढाबा तो अच्छा नहीं लग रहा हमें, अजीब सा है, कहीं पर साफ सुथरा अच्छा रहता है, बस वहाँ ये आ गया थाली, रोटियाँ क्या है ये, पनीर दाल मखनी सैलेड राइस, देखो भाई खा तो रहे हम लेकिन स्वाद लेस है, बिल्कुल स्वाद नहीं है खाने पे, अजीब सा हो रहा खाना।
इसलिए हमने एक ही थाली मंगाई। हमें पहले भी पता था ना, यहाँ पे जब जब बसें रुकी तो ऐसे ही खाना मिलता, खाना मिलता। अच्छा, हमारी उस वाली रोड पे कहाँ, जहाँ हम गाँव के लिए जाते हैं, मेरठ वाली रोड है, खाड़ी रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे तो आम के बगीचे कितने सुंदर, आम की बॉल लगने वाली है। अब देहरादून आने वाला है, देखो ये यहाँ पे ट्रेन का वो बन रहा है, पटरी, ट्रेन की पटरी बन रही है। देहरादून का पहाड़ लग गया, अब आ गए हम अपनी देवभूमि में, देवभूमि उत्तराखंड लग गया, देवभूमि उत्तराखंड। ये काम पिछले साल से हो रहा है, अभी यहाँ तक आ गया, कब तक पूरा होगा भगवान जाने। गाइज हम पहुंच गए हैं देहरादून, असिस्टेंट आने वाला है, देहरादून में हमारा स्वागत, बोर्ड लगा हुआ है। सो ही रखे सारे दिन भर, सो रखे उठा जल्दी। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे बस स्टैंड पे, सृष्टि ओला बुक कर रही है, अब जा रहे हैं हम उनके घर जहाँ शादी है। अब देखते हैं कितनी देर में ओला आती है, आने वाली होगी, बुक तो कर लिया इसने। फिर आगे मिलते हैं, आगे बताते हैं कहाँ पहुँचे हम। हम पहुँच चुके हैं देहरादून, यहाँ बस स्टैंड से हमने ओला कर ली है, अब जिनकी शादी उनके घर जा रहे हैं तो आगे बताएँगे, कितनी देर में पहुँच रहे हैं, बने रहे हमारी वीडियो में। तो भाई लोकेशन देखते देखते दूल्हे राजा को भी आना पड़ा हमें लेने के लिए, और देखो दूल्हे राजा हमारा स्कूटी चला रहा है। दूल्हे राजा ऑन स्कूटी और हम ऑटो में मिलते हैं आपको सीधा वहीं। गाइस अब पहुंच चुके हैं हम लोकेशन पे, अब ये देखो तैयारी हो चुकी है फुल, शैलेश की शादी की तैयारी। हाँ ये शैलेश हमारे भाई, चलो बधाई हो शैलेश को। बाल बाल अरे पर यही हो रहा है कि जय कॉकबड़ी कॉक चला रहा हूँ लोग नहीं बनाना है? ये आ रहे हैं न्यूज चैनल वाले। ये आज तक के हैं, और ठीक ठाक सब बढ़िया। ये देखो आ चुके हैं हमारे परिवार के लोग, सिमटन के लोग। भाई साहब जी, भाई साहब घर पर एक शादी में आए, वहाँ काशीपुर में एक शादी में हमारे के। चलो कब शांति करें, हम पहुँच चुके हैं भाई हम, और आते मम्मी कहाँ से? बाजी वहीं ऊपर कीर्तन में ही है। अच्छा चल ठीक है, चलो भाई दूल्हे की मम्मी से मिल गए हम। सबसे पहले तुम हो दादा दादी, फिर चलो भाई कीर्तन का घूमी। अरे कोई बात नहीं यार, काम में बिजी और क्या। चलो यहाँ पे बच्चे लोग बैठे हैं, कीर्तन की बनाओ कीर्तन। सो गाइस अब आपको दिखाएंगे बहुत ही प्यारे से कीर्तन, वो भी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना ढेर सारा प्यार दें। बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।